चलिए अगला कांग्रेस अधिवेशन हमारा शुरू होता है, दूसरा कांग्रेस अधिवेशन, ये दूसरा दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है। पहला हमने आपको बता दिया है और कितने भाग होते हैं वो भी मैंने आपको कितने चरण बताए। आइए देखते हैं दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 में हुआ था, और दूसरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 में हुआ था, और स्थान किस स्थान पर हुआ था, तो स्थान है कलकत्ता। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, और इस कांग्रेस अधिवेशन के दो जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी और स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को दूसरे कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध का नेता, वयोवृद्ध का नेता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला पॉइंट पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष बने थे वो किस धर्म के थे, तो पारसी धर्म के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नौरोजी किस धर्म के थे, तो पारसी धर्म। अब सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता, कैसे पारसी धर्म के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नौरोजी किस धर्म के थे, तो पारसी धर्म। अब पूछा जाता है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, जरथुष्ट। और अगला पॉइंट पूछा जाता है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1886 का दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था, इस कांग्रेस अधिवेशन में किस एसोसिएशन का विलय किया गया था और उसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखिएगा 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1876 ईस्वी में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कर दिया गया, और इसका जो विलय किया गया था वो किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, तो दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में
इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कर दिया। तो पूछा जाता है कि दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में किसका विलय हुआ था, किसको मिलाया गया था, किसको जोड़ा गया था, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन को दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसका जो है विलय कर दिया गया। जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसमें कितने प्रतिनिधि थे, कितने सदस्य थे? दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में अगर सदस्यों की बात करें, प्रतिनिधियों की बात करें, तो 434 प्रतिनिधि थे। और जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 72 थी। इसको आप पीछे नोट कर लीजिएगा, पीछे वाले पे नोट कर लीजिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1885 हुआ था उसमें अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाए, या पहले कांग्रेस अधिवेशन में अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाए, तो 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। इसको आप पीछे पॉइंट पे नोट कर लीजिएगा कि पहले कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या कितने थे? 72 सदस्य थे। और दूसरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या थी कितनी? 434 सदस्य थे। आइए एक पॉइंट और देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि धन निष्कासन या धन अपवाहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत दिए, कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निष्कासन या धन अपवाहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आइए एक बार फिर समझते हैं। दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। सिद्धांत कौन सा दिया? धन निष्कासन या धन अपवाहन का सिद्धांत दिया था। वयोवृद्धि का नेता दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। पारसी धर्म से अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और पारसी धर्म का संस्थापक कौन था? जरथुष्ट। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, दोनों लोगों ने मिल करके 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसका विलय दूसरी कांग्रेस अधिवेशन में 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में विलय कर दिया गया था। और उस समय अगर हम सदस्यों की बात करें, प्रतिनिधि की बात करें, कितने सदस्य थे? तो 434 सदस्य दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में थे। तो ये हमारा था कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा कांग्रेस अधिवेशन। और उम्मीद करते हैं और प्रयास भी अगर आपने किया होगा तो सारे के सारे पॉइंट आपको तुरंत क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है कि याद भी हो गए होंगे। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ठीक है।